फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पावर प्ले ये एक थ्रिलर मूवी है जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया था विजय कुमार कौंडा ने। मूवी में नजर आए थे राज तरुण, हेमंत इंगल, शमा करीम और कोटा श्रीनिवासन राव। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ट्रक रोड पर रुकता है जहां उसका ड्राइवर बाथरूम करने के लिए वहां झाड़ियों में जाता है। तभी वहां पीछे से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण वो उस ट्रक में घुस जाती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। अब इस केस को हैंडल कर रहे हैं इंस्पेक्टर करीम, जो कि एक करप्ट इंस्पेक्टर है। वहाँ उस गाड़ी में से उस आदमी का आधार कार्ड मिलता है और उस आदमी का मोबाइल भी मिलता है। करीम उसके फिंगर से उसके मोबाइल को खोलता है। उस आदमी के मोबाइल में कोड वर्ड के द्वारा ड्रग्स को शहर में पहुंचाने के बारे में लिखा था, जिसको इंस्पेक्टर करीम समझ जाता है। उस ड्रग्स डीलर के मोबाइल में वो DGP के बेटे का भी नाम देखता है, मतलब कि उस ड्रग्स डीलर और DGP के बेटे में कुछ कनेक्शन है और ये बात वो DGP को बताता है। और DGP करीम को मोबाइल छुपाने को और मामला रफा दफा करने को कहता है और इंस्पेक्टर करीम केस को दूसरी ओर डाइवर्ट कर देता है और सीन यहीं कट होता है। और ये है विजय, जो ग्रुप एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो अपने माँ बाप के साथ रहता है। विजय के पापा अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अब घर रहना चाहते हैं। विजय एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है कीर्ति। तो विजय के पापा कीर्ति के पापा से मिलकर उनकी शादी फिक्स करवा देते हैं। तो विजय और कीर्ति पब में पार्टी का प्लान बनाते हैं। वहीं शॉपिंग करते वक्त विजय एक औरत को बचाता है, जहां एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि विजय उसे खींच लेता है। उसका नाम स्वाति है, जो अपने बच्चे के साथ वहां आई थी। दूसरी ओर बैंक का एक आदमी दूसरे आदमी से पैसे वापस मांगता है। जो पैसे उसे ATM में डालने थे, वो पैसे उसने दूसरे आदमी को उधार दिए थे। आगे वो बताता है कि उसके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे बाद बैंक और सबको पता चल जाएगा कि उसने वो पैसे ATM में डाले ही नहीं। 2 घंटे के अंदर वो उसे पैसे वापस दे दे। अब वो आदमी सोचता है कि 2 घंटे के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। तो उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि क्यों ना हम उस ATM में चोरी करें। अभी उस ATM में 10 लाख रुपये है, लेकिन चोरी के बाद वो केस 50 लाख का बनेगा। तो चोरी करने के लिए वो बिहार गैंग के एक आदमी को काम देते हैं। तभी वो आदमी पैसे अरेंज कर लेता है और वो बिहार गैंग वाले आदमी को चोरी करने से मना कर देता है और पैसे ATM में भर देता है। अब विजय उसी ATM में से पैसे निकालने वहां पहुंचता है। वहां उस ATM में एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। विजय उस ATM में से पैसे निकालता है, तब वो सिक्योरिटी गार्ड किसी करीम से गाड़ी की बात कर रहा था। विजय वो सुन लेता है और बाहर निकलकर वो कीर्ति और अपने दोस्तों को पब में बुलाता है। और उस पब के बाथरूम में जब विजय और कीर्ति अकेले थे, तब वहाँ के गार्ड उनको पकड़ कर ले आते हैं और उनको मैनेजर के पास ले आते हैं। मैनेजर विजय को बताता है कि विजय ने उसे 2000 रुपये के नकली नोट दिया है, लेकिन विजय उसे कहता है कि उसने वो पैसे अभी अभी ATM से निकाले हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर करीम पहुँच जाता है और विजय और कीर्ति हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लाता है और वहां वो कीर्ति के साथ बदतमीजी करता है। कीर्ति के पापा बेल ऑर्डर लाके कीर्ति को छुड़ा लेते हैं और वो विजय को भी छोड़ने को कहता है, लेकिन करीम बताता है कि कल प्रेस के सामने प्रेस रिपोर्ट के बाद वो उसे छोड़ देंगे। दूसरे दिन प्रेस के सामने विजय पे नकली पैसे बनाने का आरोप लगाया जाता है और उस प्रेस नोट के वायरल होते ही विजय की कैरियर खत्म हो जाती है। लोग उनके घर से पैसे लेने से भी कतराते हैं कि शायद कहीं वो नकली न हो। कीर्ति भी न चाहते हुए विजय से ब्रेकअप कर लेती है और उसे वो वीडियो भेजती है जिसमें पुलिस ने उस पे झूठा आरोप लगाया था। मूवी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, ये है प्राइम मिनिस्टर जौहर रेड्डी, जो अपने मंत्रियों के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि अगले इलेक्शन में उनकी बेटी इलेक्शन लड़ेगी और मिनिस्टर बनेगी। विजय को हर रोज पुलिस स्टेशन आके साइन करना पड़ता है। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुम शांति से सोचो, उस रात आखिर हुआ क्या था, शायद तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। विजय वापस उसी ATM आता है और सोचता है। वहां वो ATM के अंदर जाके भी देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र CCTV कैमरास पे पड़ती है, जो कि पास ही में एक कार डीलर ने लगवाया था। विजय वहां जाकर उनसे उस रात की फुटेज मांगता है। अब वो कार कंपनी 2 पार्टनरों की थी, राजू और भोकाल। तो राजू उन्हें झूठ बोलकर भगा देता है कि कैमरा काम नहीं करते। विजय वापस ATM आके सिक्योरिटी गार्ड से उस रात जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे था उसके बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि वो यहाँ नया है, शायद उसे मेन ब्रांच में से उस गार्ड का पता और CCTV फुटेज दोनों मिल जाएगी। तो विजय CCTV फुटेज के लिए रोज बैंक मैनेजर से मिलने आता है, लेकिन मैनेजर उसे बहाना बनाकर नहीं मिलता। और ये बाद जौहर रेड्डी के दामाद अजय को पता चलती है कि कोई आदमी CCTV फुटेज के लिए रोज बैंक के चक्कर लगाता है। तो अजय फोन करके बैंक मैनेजर को ये मामला
जल्द ही निपटाने को कहता है। अब ये बैंक मैनेजर को भी पता था कि विजय ने उसके ही एटीएम से पैसे निकाले थे और वो नकली थे, तो बैंक मैनेजर उस आदमी को फोन करके बताता है कि तुमने जो एटीएम में पैसे डाले थे उनमें से कुछ नोट नकली थे। तो वो आदमी दूसरे आदमी को इसके बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसमें से 20% नोट नकली थे और उसे उसका पैसा जल्द ही वापस चाहिए। वो देखता है कि उसके नकली पैसों का इल्जाम किसी और आदमी पे लगा दिया गया है। विजय के पापा जहां वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके नौकरी छोड़ दी थी, अब विजय का कैरियर तो बर्बाद हो गया, तो वो वापस नौकरी चालू कर देते हैं। विजय के घर के बाहर एक आदमी लगाया जाता है क्योंकि वो हाथ धो के उस वीडियो के पीछे पड़ा था। विजय बाइक लेके घर से जा ही रहा था कि उसके पापा उसे रोक के बाइक वापस मांग लेते हैं, और जब वो बाइक ले जा रहे थे तब उनके बाहर नज़र रख रहे आदमी को लगा कि विजय बाइक लेके निकला है, तो वो फ़ोन करके बता देता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है और वो उनकी फ़ोटो खींच के वापस भेज देता है। और ये बात विजय के पापा विजय को बताते हैं कि किसी ने उसका एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, अस्पताल का बिल कीर्ति ने दिया था, तो विजय कीर्ति को उसके पैसे वापस दे देते हैं। बैंक में विजय की मुलाकात स्वाति से होती है। वहाँ स्वाति विजय को बताती है कि उनके पति रवि गुजर गए हैं। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि बैंक मैनेजर वहाँ से चुपके से निकल जाता है। स्वाति के बताने पर विजय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग जाता है। विजय को एक डिटेक्टिव मिलता है जो उसे मदद करता है और दोनों वापस उसी एटीएम वापस पहुँच जाते हैं और कचरे में उस रात की एटीएम की रिसिप्ट ढूंढते हैं। तभी वहाँ विजय को याद आता है कि उस रात वो सिक्योरिटी गार्ड किसी करीम से गाड़ी की बात कर रहा था, तो दोनों करीम को ढूंढ लेते हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल नंबर और एड्रेस ले लेते हैं। विजय जब उस सिक्योरिटी गार्ड के घर फोन करता है तो उसे पता चलता है कि एक लॉरी के टक्कर मारने की वजह से उस सिक्योरिटी वाले आदमी की मौत हो गई है। जब विजय उसके घर उसकी पत्नी से मिलने पहुंचता है तो उसका पड़ोसी बताता है कि उसको उनके रिश्तेदार यहाँ से ले गए हैं। विजय उसे बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने उनसे बात की है। जब वो वापस फोन लगाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ था। तब उसे याद आता है कि उस रात उस एटीएम से निकले लड़का लड़की ने एक कैब बुक करवाई थी और उसमें गए थे, तो विजय उस कैब के ऑफिस में उस रात की डिटेल निकलवाता है और उससे उस लड़के का नंबर मिल जाता है जिससे उसने कैब बुक करवाई थी। और विजय उस लड़के को फ़ोन करता है तो वो बताता है कि उसने उस एटीएम में से पैसे निकाले थे जिसमें से 500 रुपये सिक्योरिटी गार्ड को और 2000 रुपये उस लड़की को दिए थे। विजय उससे उस लड़की का नंबर लेके उसे मिलता है क्योंकि उसी ने एटीएम से पैसे निकाल कर उस लड़की को दिए थे। विजय उस लड़की से पूछता है कि क्या वो 2000 का नोट नकली था, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसने वो पैसे खर्च कर दिए, उसे नहीं पता 2000 रुपये का नोट नकली था या नहीं। जब विजय और डिटेक्टिव वहां से निकले तो एक लॉरी उनका पीछा करती है। विजय समझ जाता है कि ये वही लॉरी है जिससे उनके पापा का एक्सीडेंट करवाया गया था, आज वो उनको मारने आया है। विजय चालाकी से उस लॉरी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि उसे किसने यहाँ भेजा। तब उस ड्राइवर के मोबाइल में एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन तो कट जाता है लेकिन उसमें विजय की फ़ोटो और लोकेशन उस लॉरी ड्राइवर को भेजा गया था। वो प्राइवेट नंबर था तो विजय उससे बात नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे वॉइस मैसेज भेज के पूछता है कि आखिर क्यों वो उसके पीछे पड़ा है। तभी वो लॉरी ड्राइवर मोबाइल लेके वहाँ से भाग जाता है और सीन कट होता है। अब मूवी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, ये है पूर्णा रेड्डी जो कि जौहर रेड्डी की बेटी है और अब मिनिस्टर है। वो अपने मिनिस्टर पद का फायदा उठा के अपने आदमियों का काम करवाती है। जब वो गाड़ी में जा रही थी तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो मैसेज आता है और वो चौंक जाती है और वो सीधा उसके पति अजय को वो वीडियो दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने ये सब किया है। अजय वो मैसेज जिस नंबर से आया था वो नंबर ले लेता है और पूर्णा को कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अजय वो नंबर इंस्पेक्टर करीम को देके उस नंबर को ट्रेस करने और उसकी डिटेल निकालने को कहता है और करीम उस मोबाइल को ट्रेस करने लगता है और उन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसका वो मोबाइल था, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसका मोबाइल खो गया है और उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। मोबाइल को ट्रेस करते हुए उन्हें वो मोबाइल एक रिक्शा में मिल जाता है। करीम अजय को बताता है कि वो मोबाइल और नंबर एक ही आदमी के थे लेकिन वो मोबाइल उस आदमी से खो गया था जिसकी रिपोर्ट भी उस आदमी ने लिखवाई है। दूसरी ओर विजय कीर्ति से मिलकर गिलेश शिकवे दूर करता है और कीर्ति को अपना लेता है। विजय और उसके दोस्त बैंक मैनेजर को उसके घर में पकड़ लेते हैं, तो वो बैंक मैनेजर विजय को बताता है कि उसके पास उस रात की वीडियो नहीं है और जिसके पास उस रात की वीडियो है अगर वो उसका नाम बता देगा तो वो उसे मार डालेगा। तभी उस बैंक मैनेजर की बीबी जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थी वो वहां आ जाती है और विजय और उसके दोस्त झूठ बोलकर वहां से बच निकलते हैं। अब विजय उस कार डीलर के वहां जाता है और उस वक्त राजू और भोकाल वहां नहीं थे, तो उनका नौकर चिन्ना उनसे पैसे लेकर उनको सीसीटीवी फुटेज देखने देता है। विजय अंदर सीसीटीवी देख ही रहा था
तभी वहां राजू पहुंच जाता है। चिन्ना उसके दोस्त को तो भगा देता है लेकिन विजय अंदर फंस जाता है, तो विजय बाथरूम में छुप जाता है। तभी वहां कुछ गुंडे आकर राजू से वीडियो के बारे में पूछते हैं। राजू उनको बताता है कि उनका एक और साथी है, शायद उसके पास वो वीडियो हो। अब ये कौन सी वीडियो है ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। तब वहाँ भोपाल आता है और वहाँ गुंडों को देखकर समझ जाता है कि दाल में कुछ काला हो रहा है, तो वो सीधा बाथरूम में घुस जाता है और उसके मोबाइल का लॉक खोल के मिनिस्टर के पीए यानी कि पूर्णा के पीए को मैसेज करता है और ये सब विजय देख रहा था। बाद में भोपाल उस मोबाइल को प्लास्टिक ग्लव्स में डालकर वहाँ छुपा देता है। बाद में विजय उस मोबाइल को निकाल लेता है। राजू और भोपाल को किडनैप करके अजय के सामने लाया जाता है और अजय उन दोनों से वीडियो के बारे में पूछता है। दूसरी ओर विजय चिन्ना से बात करके उसके मालिक का नंबर लेके सीधा अजय से बात करता है और अजय को बताता है कि वही किडनैपर है और उसके पास वीडियो है। तो अजय राजू को मार देता है और भोपाल सच बता देता है कि उसी ने वो वीडियो पूर्णा को भेजा था और ब्लैकमेल करके पैसे मांगे थे और उसको वो वीडियो पूर्णा के पीए ने दिया था जिससे वो दोनों पैसे कमा सके। अजय के आदमी राजू की शॉप पे जाके वो वीडियो ढूंढते हैं लेकिन वो वीडियो उन्हें नहीं मिलता। तो अजय एक चाल चलता है, वो अपने आदमियों को भोपाल के उसकी शॉप के सामने छोड़ने को कहता है। जिसके पास भी वो वीडियो है वो भोपाल को मिलने आएगा, तो वो उसको मार के वो वीडियो छीन लेना और भोपाल को उसकी शॉप के सामने छोड़ा जाता है। उसका नौकर चिन्ना भोपाल को देखकर उससे मिलने जाता है। विजय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो चला जाता है और दूर खड़े अजय के आदमी उसे गोली मारकर मार देते हैं और उससे वो वीडियो ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। तब तक विजय भोपाल को लेके भाग जाता है। भोपाल के मोबाइल में गैलरी लॉक था जिसकी वजह से विजय वो वीडियो देख नहीं पाया था। भोपाल उसे गैलरी खोल के वो वीडियो दिखाता है और वो वीडियो देख के विजय चौंक जाता है। अजय पूर्णा को बता देता है कि वो वीडियो उसी के पीए ने उसी के मोबाइल भोपाल को दिया था, तो पूर्णा उसके पीए को मार देती है। पूर्णा के पिताजी और अजय को सब सच्चाई बता देती है। दूसरी ओर स्वाति विजय को बताती है कि उसके पति रवि की मौत कैसे हुई थी। रवि और स्वाति दोनों एक साथ खुश थे, उनके जीवन में उनके बेटे के आने से खुशी दुगनी हो गई। रवि स्कूल में ट्रेनर की नौकरी करता था। जब रवि देखता है कि स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं थी जो स्पोर्ट को सपोर्ट कर सके, तो वो इसके लिए बात करने मिनिस्टर से मिला। मिनिस्टर पूर्णा उसकी कॉलेज फ्रेंड थी जो कॉलेज के दिनों से ही रवि को पसंद करती थी। धीरे धीरे पूर्णा रवि के घर आने जाने लगी। हालांकि पूर्णा की भी शादी हो चुकी थी और रवि की भी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। एक दिन जब रवि पूर्णा के घर में अकेले थे तभी वहां स्वाति आ जाती है और स्वाति को दरवाजे पे देखकर रवि पूर्णा को धक्के मार के वहां से निकाल देता है और स्वाति को पूर्णा की भनक भी नहीं लगने देता। लेकिन पूर्णा रवि के ऐसे बर्ताव से गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन जब रवि पूर्णा से मिलने पहुंचता है तो पूर्णा रवि को स्वाति और उसके बच्चे को मारने का सुझाव देती है जिससे रवि गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी स्वाति से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर भी पूर्णा स्वाति का एक्सीडेंट करवाती है लेकिन विजय उसे बचा लेता है। और ये बात जब स्वाति रवि को बताती है तो रवि पूर्णा पे गुस्सा होता है लेकिन पूर्णा रवि को मिलने बुलाती है और गाड़ी में उस एटीएम के सामने ही रवि को मार देती है। ये वही एटीएम है जहां से विजय ने पैसे निकाले थे। रवि को मारते हुए उस एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड पूर्णा को देख लेता है तो पूर्णा उसे भी मार देती है और वहां लगे सीसीटीवी की सारी फुटेज डिलीट करवा देती है। और उसी वक्त वो नकली पैसों वाला कांड भी हुआ था। आगे पूर्णा अपने पिताजी को बताती है कि उसने अजय को रवि और उसकी सारी बातें बता दी थी। आगे अजय बताता है कि अगर इंस्पेक्टर करीम वो जाली नोट वाला केस नहीं उछालता तो रवि का केस दब जाता। तो करीम को वहां बुलाया जाता है और करीम उन्हें बताता है कि उस दिन शहर में ड्रग्स आने वाला था और उसमें डीजीपी का बेटा भी इन्वॉल्व था, तो वो केस डाइवर्ट करने के लिए उसने वो जाली नोटों वाला केस उछाला। और करीम उनको विजय की फोटो देता है जो उस वीडियो के पीछे पड़ा था। पूर्णा ने रवि को मार डाला वही इस वीडियो में था। विजय स्वाति से रवि का मोबाइल लेके कीर्ति को फोन करता है क्योंकि उसने उसका और भोपाल का मोबाइल ट्रेस होने के डर से स्विच ऑफ कर दिया था। विजय जब कीर्ति को फोन करता है तो कीर्ति के घर पहले से ही गुंडे थे, तो वो विजय को पूर्णा से बात करने को कहते हैं और मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉल करके पूर्णा से बात करवाते हैं। पूर्णा भोपाल से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली बचानी है तो अपना लोकेशन बता दो। तो वो लोकेशन बताने ही वाला था कि विजय उससे मोबाइल छीन लेता है और उन दोनों में हाथापाई होती है। उन दोनों की लड़ाई में स्वाति भोपाल का मोबाइल ले लेती है। भोपाल विजय को कमरे में बंद करके स्वाति से उसका मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल चालू करके पूर्णा को उसकी लोकेशन बता देता है और पूर्णा के आदमी स्वाति के घर पहुंच जाते हैं। विजय अपने दोस्तों को फोन करके 5-6 एम्बुलेंस मंगवाता है और गैस सिलेंडर ऑन करके बाहर आता है।
तभी उनके दोस्त भी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। वो लोग एम्बुलेंस में चढ़ ही रहे थे तभी गुंडे स्वाति पे गोली चलाते हैं और स्वाति की वहीं मौत हो जाती है। अब विजय 6 एम्बुलेंस लेके जा रहे थे और गुंडे उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन विजय एम्बुलेंस को अलग अलग घुमा कर उनको चकमा दे देते हैं। पूर्णा जब भोपाल का मोबाइल देखती है तो उसमें वो मेमोरी कार्ड था ही नहीं जिसमें वो वीडियो था। अजय विजय को फ़ोन करके बताता है कि उसको वो मेमोरी कार्ड वापस दे दे और शांति से अपनी ज़िंदगी जिए। अब विजय को तो मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। पूर्णा अब टेंशन में थी क्योंकि वो वीडियो सामने आने से उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तभी विजय को इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि आज तुम साइन करने आए नहीं, तो विजय स्वाति के बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। विजय जब साइन कर रहा था तब वहां करीम उस पर गन तान देता है, लेकिन विजय उससे गन छीन लेता है और उन सबको जेल में बंद कर देता है और पुलिस स्टेशन भी अंदर से बंद कर देता है और फेसबुक पर लाइव आता है और सबको बताता है कि दूसरे केस को डाइवर्ट करने के लिए उसे फंसाया गया है। करीम अजय को बताता है कि विजय लाइव आके सबको सच्चाई बता रहा है और सब मीडिया भी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुकी थी। सभी लोग विजय को टीवी पे और मोबाइल पे लाइव देख रहे थे। उसी पुलिस स्टेशन के बाहर पूर्णा और अजय भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मीडिया के वहां होते वो कुछ नहीं कर सकते थे। टीवी पे सभी लोग विजय से पूछ रहे थे कि अगर वो सच्चा है तो उन्हें वो वीडियो दिखाए। अब विजय के पास तो कोई वीडियो था ही नहीं। इंस्पेक्टर करीम स्वाति के बच्चे को बहला फुसला कर अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ लेता है। विजय उस बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करता है। उनकी हाथापाई में उस बच्चे की जेब फट जाती है और उसमें से मेमोरी कार्ड गिर जाता है और वो मेमोरी कार्ड विजय करीम से छीन लेता है। ये वही मेमोरी कार्ड है जिसमें रवि के खून का वीडियो था। भोपाल से वो मोबाइल छीनने के बाद स्वाति ने वो मेमोरी कार्ड निकाल कर अपने बच्चे की जेब में रख दिया था। अजय अपने आदमियों को पेट्रोल से पुलिस स्टेशन जलाने को कहता है, लेकिन तब तक विजय ने वो वीडियो अपलोड कर लिया था और पूर्णा का करियर ख़त्म हो चुका था। पूर्णा अपने पति अजय के साथ आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन एंड मौके पर अजय पीछे हट जाता है और पूर्णा की मौत हो जाती है और अजय बच जाता है। अजय अपने आदमियों को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन और स्वाति के घर से वापस बुला लेता है। विजय अपनी सच्चाई साबित करके पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर करीम को सस्पेंड किया जाता है और उस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाता है जिसने एटीएम में नकली पैसे डाले थे। बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जाता है। विजय पे लगे सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं और उसे नौकरी मिल जाती है और वो स्वाति के बच्चे को गोद ले लेता है और कीर्ति से शादी कर लेता है और मूवी ख़त्म। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।